तो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप मैं सभी जानते हैं कि प्रेजेंट की इंडियन गवर्नमेंट इंडियन रेलवे को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है और इंडियन रेलवे की जो पैसेंजर सर्विस है उसको लेकर और भी ज्यादा फोकस कर रहा है। हालांकि पिछले साल हमारे इंडिया के पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया था कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो आज के दिन में सिर्फ दो ही नंबर में चल रहा है उसको और भी ज्यादा एक्सपांड किया जाएगा, मतलब दो से बढ़ाकर और बहुत ज्यादा नंबरों में लाया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस साल मतलब 2022-23 के बजट स्पीच में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कहा गया है कि अगले आने वाले 3 सालों में ये नंबर बढ़ाकर 400 किया जाएगा। खैर दोस्तों 3 साल के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा कि क्या बाकी में 400 नंबर तक पहुंचा है या फिर कुछ नंबर कम हुआ है। खैर मुद्दा ये नहीं है, इस वीडियो में मैं बात करूंगा वंदे भारत एक्सप्रेस की दूसरी जो बोली है वो ऑलरेडी मंगवाया जा चुका है, मतलब पहले स्टेज में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रहा था, अब दूसरी स्टेज पर 58 नंबर में वंदे भारत एक्सप्रेस बनाया जाएगा। अब दोस्तों 58 नंबर में वंदे भारत एक्सप्रेस की जो कोचेस है या फिर जो ट्रेन सेट है वो बनाने के लिए जो प्राइस यहां पर दिया जाएगा वो है 2500 करोड़, मतलब 2500 करोड़ रुपए की बोली कंपनी लगा सकता है। तो इसी बोली को लगाने के लिए 9 कंपनी ने पार्टिसिपेट किए हैं, उनमें से कुछ का नाम हम सभी के द्वारा जाना पहचाना है, जैसे कि सीमेंस, बॉम्बार्डिया, ये कुछ एक विदेशों की कंपनी है। इसके अलावा कुछ एक इंडियन कंपनी भी है जैसे कि BHEL, टीटागढ़ वैगन, मेधा इंजीनियरिंग। तो इन कंपनी के द्वारा भी ये जो बोली लगाया जा रहा है इसमें पार्टिसिपेशन किया जा रहा है। हालांकि ये जो बोली है ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बोली है, आगे चल के इसके ऊपर और भी फाइन ट्यून किया जाएगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के तरफ से या फिर इंडियन रेलवे के तरफ से कहा गया है कि स्पेसिफिक कुचे का डिमांड इन सारे कंपनी को फुलफिल करना होगा वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर। कुचे का जो स्पेसिफिक डिमांड है उनमें है सिक्योरिटी फीचर, मतलब आज के दिन में जो वंदे भारत एक्सप्रेस चल रहा है उसके सिक्योरिटी फीचर बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो दूसरे स्टेप पर मतलब आने वाले समय में जो वंदे भारत एक्सप्रेस बनाया जाएगा उसके सिक्योरिटी फीचर आज के दिन से भी बेहतर होना चाहिए, सेफ्टी फीचर भी आज के दिन से ज्यादा बेहतर होना चाहिए। इसके अलावा कस्टमर की या फिर पैसेंजरों की कंफर्ट, इसको मेन फोकस करना होगा, मतलब आज के दिन में ऑलरेडी कस्टमर कुछ एकाद कंफर्टनेस इस ट्रेन में मिल ही रहा है, लेकिन इसी कंफर्टनेस को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। ट्रेन के अंदर पूरी तरीके से वाईफाई कंप्लीट करना होगा, मतलब ट्रेन के कोचेस में वाईफाई की जो सिस्टम है उसको और बेहतर बनाना होगा। इसी तरीके की और भी बहुत सारे चीजें हैं जो कि कंपनी को बेहतर बनाना होगा, तभी उस कंपनी को मिलेगा ये कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये भी कहना है कि वंदे भारत एक्सप्रेस में जितने सारे इक्विपमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स लगेगा उसको ज्यादातर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना होगा। हालांकि कुछ एक आध कंपोनेंट्स आज के दिन में चलने वाले वंदे भारत में बाहर से मंगवाया गया था, तो उन सारी चीजों को अब इंडिया में ही प्रोड्यूस करना होगा। ये है मेन बातें इन बिड को लेकर। अब दोस्तों मैं उम्मीद यही कर रहा हूं कि कोई ना कोई एक इंडियन कंपनी ही इस बिड को जीते ताकि उस कंपनी के जो शेयर्स हैं उसके भाव भी बढ़े, ताकि इंडिया में जितने सारे लोग उन सारे कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं उनके भी कुछ एक आध प्रॉफिट जरूर हो। तो दोस्तों फिलहाल देखना होगा कि कौन से कंपनी के पास ये बिड आखिरकार जाता है, लेकिन ये बात जरूर हम कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द इस बिड को कंप्लीट कर लिया जाएगा और 2022 के एंड या फिर 23 तक कुछ एक नंबर में वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया में या फिर इंडियन रेलवे की पटरी में चलते हुए दिखाई देगा। खैर दोस्तों कब तक ये सारी चीजें कंप्लीट होते हैं वो देखना होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों आप लोग लाइक थोड़ा सा कम ही कर रहे हो तो लाइक थोड़ा सा बढ़ा ही दो,
बस इतना ही कहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।